हेलो एवरीवन, शुभम दिस साइड। सो गाइस, टुडे आई हैव वेरी गुड टॉपिक, और आज हम जो जानने वाले हैं फ्री कमांड के बारे में जानने वाला है इन लिनक्स। और ये हमारा थर्ड लेक्चर है डिग स्पेस टॉपिक का। ठीक है, जैसे कि मैं ऑलरेडी दो वीडियो और बना चुका हूँ कि हमारी जो डिग स्पेस की कमांड्स होती हैं वो क्या होती हैं। मैंने डीएफ के बारे में भी यहाँ पे वीडियो बनाया है, डीयू के बारे में बनाया है, और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो फ्री कमांड के बारे में बना रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है कमेंट में आप मैंशन कर सकते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फ्री कमांड का यूज कैसे किया जा सकता है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा फ्री कमांड का यूज बेसिकली हम फिजिकल और स्वैप मेमोरी कितनी यूज है, कितनी मेरी फ्री है, उस पर्पज के लिए फ्री कमांड का यूज किया जाता है। जब आप फ्री कमांड का यूज करेंगे लिनक्स टर्मिनल पे और आप एंटर करेंगे तो ये फ्री कमांड आपको बताती है कि आपकी जो फिजिकल मेमोरी है वो कितनी अवेलेबल है, कितनी यूज है। ठीक है, और साथ ही आपको ये भी बताती है कि आपका स्वैप मेमोरी कितना अवेलेबल है और कितना यूज है। तो आप फ्री कमांड के थ्रू फिजिकल और स्वैप मेमोरी के बारे में जान सकते हैं कितना फ्री है और कितना यूज है। ठीक है गाइस, साथ ही आप अपनी मेमोरी को बाइट्स, किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स की फॉर्म में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे यदि आप बाइट्स की फॉर्म में चेक करना चाहते हैं अपने साइज को तो आप फ्री स्पेस हाइफन बी टाइप करेंगे तो आपके पास जो यूज मेमोरी होगी वो बाइट्स की फॉर्मेट में आ जाएगी। यदि आप फ्री स्पेस हाइफन के यूज करेंगे तो आपके पास जो यूज मेमोरी होगी वो किलो बाइट्स के फॉर्म में आ जाएगी, यानी के बी के फॉर्म में आ जाएगी। साथ ही यदि आप एम बी के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो आप फ्री स्पेस हाइफन एम का यूज कर सकते हैं, और आपके पास जो मेमोरी यदि जी बी की फॉर्मेट में है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फ्री स्पेस हाइफन जी यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए हम लिनक्स टर्मिनल पर चलते हैं, वहां पर इसको समझते हैं कि कैसे आप ये सब चीजें कर सकते हैं। तो गाइज मैंने अपना लिनक्स टर्मिनल ओपन किया हुआ है। मैं सिंपली यहाँ पे फ्री कमांड यूज करूंगा और एंटर करूंगा। जैसे मैंने फ्री कमांड का यूज किया है और एंटर किया है, कुछ इस तरह का डाटा मेरे स्क्रीन पे अवेलेबल हुआ है, और आप देख पा रहे होंगे कि टोटल यूज फ्री कुछ इस तरह के डाटा मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्री स्पेस हाइफन एच। एच का यूज जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के लिए हम यहाँ पे एच का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यूज़ करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये जो नंबर थे वो किस पर्पज़ के लिए थे, क्या नंबर्स थे वो। टोटल मेरा 801 MB है, यूज़ मेरा कितना है, फ्री मेरा कितना है, शेड कितना है और कैच कितना है और अवेलेबल कितना है। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे स्वैप मेरा 0 बाइट्स है, स्वैप जो मेरी मेमोरी है जो साइज़ है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप फ्री कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो साइज अवेलेबल है, आप चाहते हैं कि मैं इसको बाइट्स की फॉर्म में चेक करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे सिर्फ बी यूज़ करेंगे, बाइट्स की फॉर्मेट में आपका डाटा आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। यदि आप यूज़ करेंगे के की फॉर्मेट में तो के बी की फॉर्मेट में अपने साइज अपनी मेमोरी को चेक कर सकते हैं। ये डाटा आपके पास के बी की फॉर्मेट में आ चुका है, कितना आपका यूज़ है, कितना के बी आपका फ्री है, कितना आपका टोटल के बी है। ठीक है, साथ ही यदि आप एम बी की फॉर्मेट में चेक करना चाहते हैं, जस्ट आप यहाँ पे एम टाइप करेंगे, स्मॉल एम, एम बी का साइज आपका आ जाएगा। ठीक है, और यदि आपका जो टोटल मेमोरी है, मेरे पास तो सिर्फ 801 MB है तो मैं इसको जी बी की फॉर्मेट में चेक नहीं कर पाऊंगा, यदि चेक करूंगा तो 0 ही आएगा। तो आप जी बी फॉर्मेट के लिए यहाँ पे जी टाइप कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास 0 आ रहा है। ठीक है गाइज, सो गाइज इस तरह से हम फ्री कमांड का यूज कर सकते हैं ओवर द लिनक्स टर्मिनल। आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग आप कमेंट में मेंशन करें, ठीक है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। साथ ही यदि आपका कोई टॉपिक है तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कॉलेज मेट्स। अक्सर मैं इस चैनल पर टेक्निकल वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है, बेसिकली रियल टाइम में कंपनी में किस किस टॉपिक पे काम किया जा रहा है। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।